हाय एवरीवन, तो आज हम आए हैं नॉर्थ इंडिया के सबसे सुंदर शहर द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में मैं आज आपको दिखाने वाला हूं यहां का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट सुखना लेक। रॉक गार्डन से सुखना लेक जस्ट 2 किलोमीटर दूर है और दिन में आप रॉक गार्डन घूमकर शाम को सुखना लेक आ सकते हैं। लेकिन आज 16 जुलाई 2021 को रॉक गार्डन लगभग 2 महीने से बंद है, तो अगर आप सिर्फ रॉक गार्डन का प्लान कर रहे हैं तो वहां जाने से पहले एक बार कॉल करके कंफर्म कर लें। सुखना लेक पर एंट्री के कोई चार्जेस नहीं है और जैसे ही आप सुखना लेक पहुंचते हैं सबसे पहला व्यू जो आपके सामने होता है वो है बोटिंग। और बोटिंग के लिए बुकिंग करवाते वक्त ये लोग एडवांस सिक्योरिटी भी ले लेते हैं और अगर आपको टाइम ज़्यादा लगता है 2 मिनट भी ऊपर तो ये आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं देते। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप इतनी ही दूर जाएं कि आप टाइम से वापस पहुंच पाए। लेकिन सुखना लेक पर आज मैं आपको जहां लेकर जाने वाला हूं, ना तो वहां जाना अलाउड है और ना आज से पहले वहां की कोई यूट्यूब वीडियो है। सुखना लेक के स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पर बोटिंग हो रही होती है वहां से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं सुखना लेक के एंड पर जहां एक डैम बना हुआ है। और यहीं सुखना लेक के एंड पॉइंट पर डैम के पास गार्डन ऑफ साइलेंस भी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, गार्डन ऑफ साइलेंस। और बहुत ही कम टूरिस्ट को पता होता है कि सुखना लेक के जस्ट साइड में गार्डन ऑफ साइलेंस भी है। गार्डन ऑफ साइलेंस में आपको फिर कभी लेकर चलूंगा, अभी चलते हैं आज के हमारे उस रास्ते की ओर जहां जाना अलाउड नहीं है। अभी इस कच्चे रास्ते पर हमें लगभग 1/2 किलोमीटर सीधे चलना है और वहां एक डाइवर्जन है जहां से हमें लेफ्ट साइड जाना है। और लेफ्ट साइड टर्न लेने के बाद कुछ मिनट चलकर हम पहुंच जाएंगे उस जगह जहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि यहां से आगे जाना मना है। और उसी जगह से शुरू होगा हमारा आज का सफर, जिसमें हम पता लगाने वाले हैं कि उस बोर्ड से आगे चलकर क्या है। और लोगों को इस रास्ते पर आगे न जाने देने के लिए ये रास्ता खोदा हुआ है आपके सामने है। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, ये देखिए ट्रेन से खोद कर झाड़ियां डाली हुई है। और ये है वो जगह जहां से हमें लेफ्ट साइड जाना है। अब सामने जो पानी देख रहे हैं वो सुखना लेक है। और आप अगर सुखना लेक पहले आए हैं तो आपने देखा होगा जहाँ से बोटिंग होती है उसके सामने से एक आइलैंड टाइप से दिखता है जहाँ पे पूरा जंगल दिखाई दे रहा होता है। मैं इस टाइम उसी जंगल में हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके पीछे भी एक पार्ट है सुखना लेक का, ये देखिए। आप यहाँ पेड़ों पर देखेंगे तो बहुत सारे बाज हैं और शायद से इनको यहाँ किसी इंसान के आने की आदत नहीं है, इसी वजह से मुझे देखकर आवाज़ें कर रहे हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। एंड फाइनली आई कैन सी द बोर्ड मेंशनिंग नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट।
But if we won't go beyond this point, we won't explore more. And as you know, my channel is all about exploring less explored. जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पक्षियों की आवाज़ तेज होती जा रही है। एक कौवा बहुत देर से मेरे साथ साथ चल रहा है और लगातार बोले ही जा रहा है, जैसे मुझे आगे जाने से मना कर रहा हो। और मुझे एक हॉन्टेड प्लेस जैसी फील आ रही है एंड आई एम क्वाइट स्केयर्ड राइट नाउ। सामने आप जो झाड़ियाँ देख रहे हैं, ये एलिफेंट ग्रास है और हिंदी में हम इसे डाब कहते हैं। इनमें से थोड़ा ध्यान से चलिएगा क्योंकि ये बहुत शार्प होती है और आपकी स्किन को कट कर सकती है। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है, बट स्टिल हम कोशिश करने वाले हैं जब तक आगे जा सकते हैं कि और आगे जाएं। झाड़ियाँ इतनी ज्यादा हो रही हैं कि बिना झुके आगे बढ़ पाना लगभग नामुमकिन है। और ऐसे रास्तों पर जहां आपको जमीन भी साफ ना दिखाई दे रही हो, बहुत ही ध्यान से चलें, क्योंकि ऐसी जगहों पर सांप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अगर गलती से आपने सांप पर पैर रख दिया तो वो आपको काट लेगा और सांप काटने के बाद क्या होगा वो शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है।
नाले की शुरू हो जाती है। फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी जगह देखना चाहते हैं जिनको आपने नहीं देखा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।